Hello, hello. हेलो यस आई एम देर हाउ आर यू ऑल कैसे आप लोग हाय बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रखे हैं ओ oh, भाई एक सौ नौ लोग हेलो हेलो नेहिल राहुल हेलो थैंक यू धीरजा जी थैंक यू ऑर्चिड आयरिस आराध्या थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आर्टिस्ट आदित्य थैंक यू भाई यहाँ तो कमेंट्स कैसे जा रहे हैं यार मतलब बहुत तेजी से जा रहे कमेंट्स थैंक यू सो मच आर यू मैरिड नहीं भाई मैं मैरिड नहीं हूं दो सौ दो लोग आ, मतलब इतने मैंने यूट्यूब में कभी लाइव देखे नहीं है दस पंद्रह लोग होते थे यूट्यूब में जब मैं पहले आता था ड्रॉ करिए सर चलिए कुछ ड्रॉ करते हैं बात भी करता रहूंगा एंड आई विल की ठीक है और आई विल आंसर योर क्वेश्चन इफ एनी क्वेरी एंड भैया ओके सो मटेरियल्स के बारे में मैंने यूट्यूब पे वैसे वीडियो बना रखी है पर मैं बताता हूँ आपको मटेरियल जो मैं यूज़ करता हूँ अगर मेरे को रफ़ पेंटिंग करनी है जैसे ऐसे ऐसे रफ़ कल मैंने ये इंस्टा लाइव में की थी तो मैं यूज़ करता हूँ आर टू का थ्री हंड्रेड जी तो ये बहुत ही चीप है थ्री हंड्रेड जी एस एम कॉटन नहीं है हंड्रेड परसेंट सेलुलोज है तो इसमें हंड्रेड परसेंट कॉटन भी आता है सेलोज भी आता है सेल Cell, सेलुलोज जो है वो चीप होता है एज कम्पेयर टू यूर हंड्रेड परसेंट कॉटन तो आई दिस फॉर ऑल द रफ वर्स और वैसे मैं जो वर्कशॉप देता हूँ उसमें भी मैं यही पेपर प्रिफर करता हूँ और एक्रेलिक्स के लिए भी मैं यही पेपर प्रेफर करता हूँ स्टूडियो स्टूडियो टूर यार स्टूडियो स्टूडियो कुछ है नहीं मेरा है, टेबल है यार और कुछ नहीं है मेरा पीछा मतलब कमरा ही है मेरा तो वो अभी दिखाने की हालत में नहीं है तो आई एम मैं अभी काम कर रहा हूँ मतलब रेनु, मतलब रेनोवेट क्या मैं पूरा स्टूडियो ही दोबारा बनाने वाला हूँ पूरा बनाने वाला हूँ तो उसके बाद जैसे वो बन जाएगा इस साल के एंड तक शायद ये बन जाए पूरा तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको स्टूडियो नया वाला आपने क्लासेस नहीं मैं टू थाउजेंड से मैं कर रहा हूँ आर्ट है ना Uh, मतलब पैशनेटली मैं 2017 से कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे पहले uh, करता था पर बहुत रेयर तो मैंने बी कॉम ऑनर्स किया हुआ है मैं आर्ट 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 फील्ड से नहीं हूँ मैंने बी कॉम ऑनर्स किया हुआ है और बी कॉम ऑनर्स के बाद मेरी जॉब की प्लेसमेंट हो गई थी 2017 में तो मेरे को जाना पड़ा हिमाचल प्रदेश है ना दिल्ली छोड़ के मैं दिल्ली में रहता हूँ तो हिमाचल प्रदेश जाना पड़ा तो वहाँ पे मेरे पास कुछ था नहीं करने को तो मैं ऑफिस में क्या करता था ऑफिस में कुछ मटेरियल्स भी नहीं होते थे मेरे पास है ना तो मैं क्या करता था एक ऑफिस में प्रिंटर होता था प्रिंटर पेपर लेके उस पर अपने फ्रेंड्स के स्केचेस में बनाने लग गया फेसबुक पे लाइव जाके अपने फ्रेंड्स के स्केचेस में बनाने लग गया वहाँ पे तो धीरे 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 ऐसे डेली मतलब टाइम टाइम पास करने के लिए मैं जो है स्केचेस बनाने लग गया जैसे मैं अभी बना रहा हूँ है ना क्योंकि इससे टाइम पास बहुत जल्दी होता है ना तो और टाइम कैसे कट जाता है पता पता नहीं चलता सारे आर्टिस्ट को पता होगा कि जब आप आर्ट करते हो तो टाइम का पता नहीं चलता तो टाइम काटने के लिए मैंने आर्ट करना चालू किया था फिर मैंने 2017 में ही इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ यहाँ तो और भी आर्टिस्ट हैं इंडिया में ना क्योंकि उससे पहले मैं जानता नहीं था आ, बिल्कुल नहीं जानता था लोगों को तो उसके बाद मैं जानने लग गया तो मैं भी उनको देख के इंस्पायर्ड हुआ और मैं भी पोस्ट करने लग गया तो धीरे धीरे जैसे पोस्ट करा तो लोग यू you नो know, लोग फॉलो करने लग गए लोगों को काम पसंद आने लग गया तो बहुत ही अप्रिशिएट करने लग गए जब अप्रिशिएशन मिलता है आर्टिस्ट को तो उससे क्या होता है तो अप्रिशिएशन एक फ्यूल की तरह होता है है ना जैसे इंजन को फ्यूल, वो चाहिए फ्यूल तो अप्रिशिएशन आर्टिस्ट को चाहिए अगर अप्रिशिएशन मिलती है तो वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है तो मुझे भी उससे पहले इतनी अप्रीशियेसन कभी नहीं मिली ना ही फैमिली से ना ही कहीं कहीं से भी कि मेरे को आर्ट आर्ट के लिए अप्रीशिएशन ना तो जो मेरे को इंस्टाग्राम से मिली तो फिर मैं आ, मैं कोशिश करता था हफ्ते में एक दो पोस्ट करने की ऐसा क्योंकि मेरी जॉब भी चल रही थी फुल टाइम तो धीरे 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 ऐसे जैसे मैं आर्ट वर्क पोस्ट करता गया लोगों को पसंद आता गया तो फिर ऐसे मेरे पास कमीशन वर्कस भी आने लग गए तो कमीशन वर्क जब मेरे पास आने लग गए तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह हो गया मेरे लिए है ना तो जब एक्स्ट्रा इनकम आने लग गई तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसमें यू you नो know, और अच्छे से किया जाए ताकि मेरे को और मतलब ताकि मैं अपने प्राइजेस भी बढ़ा सकूं तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने फाइव हंड्रेड रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था है ना तो उसके बाद से जैसे मेरा काम इम्प्रूव हुआ तो मैंने चार्जेस भी बढ़ा दिए फिर ऐसे ऐसे दो तीन साल निकल गए फिर दो में मैंने जॉब छोड़ दी अपनी है ना मैं फुल टाइम आर्टिस्ट बन गया अभी दो साल हो गए तो अभी मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ तो ये मेरा थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी है जो मैंने बताया आपको भी नो आई एम फ्रॉम दिल्ली महाराष्ट्र से नहीं हूँ मैं अच्छा मेरे यूट्यूब पे मैं डालने लगा था वीडियोस जब लॉकडाउन चल रहा था है ना 2019 में मैंने चालू किया नहीं नहीं 2000 ट्वेंटी uh, में आई गेस चालू किया था ट्वेंटी के स्टार्टिंग में तो एक साल तक मेरे मेर पास uh, काफ़ी सारा टाइम था ना यूट्यूब के लिए उस वक्त तो uh, क्योंकि ऑफिस में भी इतना काम नहीं हो हो रहा था उस वक्त लॉकडाउन की वजह से तो मैं मैंने फिर यूट्यूब uh, ना स्टार्ट किया तभी इमेजेस uh, कहाँ से लेते हो आर्टिस्ट अभिषेक मैं इमेजेस लेता हूँ मोस्टली प्रिंटरस से या फिर गूगल पर सर्च कर लेता हूँ इमेजेस के लिए सर आर्ट ब्लॉक चल रहा है तन्मय चौधरी जी आर्ट ब्लॉक चल रहा है कैसे आ, यार देखो आर्ट ब्लॉक ये आएगा कुछ भी करोगे ना तो ऐसा मन मन नहीं करता मेरे मैं सच बताऊं तो मेरा भी कभी कभी बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता कभी करने का बट फिर भी मैं क्योंकि मेरी हैबिट बनी हुई है 2017 से डेली वही चीज करने की तो उस हैबिट के कारण मैं कर लेता हूं कुछ ना कुछ अगर कुछ भी नहीं करता तो मैं लाइव आ जाता हूँ जैसे मैंने कल परस कल कल शायद हाँ कल होली थी ना तो होली के दिन मैंने सोचा रेस्ट लेने का है ना तो मैंने पूरे दिन कुछ नहीं किया जानबूझ के मतलब मैं कर सकता था मेरा मन भी था पर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया तो रात में मैं फिर लाइव आया इंस्टाग्राम पे और मैंने ये किया था कल 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 मैंने ये किया था सिर्फ क्योंकि हैबिट बनी हुई है बिना उसके मैं मतलब थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है बिना आर्ट के है ना तो अगर आपको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है तो आपको अपनी डेली हैबिट में आर्ट को लाना पड़ेगा ताकि आप यू नो हैबिचल हो जाए उस चीज़ के और आपको ना ही इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़े ना किसी बूस्टअप की ज़रूरत पड़े आप मतलब करने लग जाओ डेली मतलब रूटीन में बन जाए क्योंकि जब भी जैसे मेरे पास कभी किसी का फ़ोन आता है किसी दोस्त से मैं बात कर रहा हूँ है ना और मेरे सामने पेन और पेपर बना हुआ है मतलब पड़ा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ मैं अपने आप ही सबकॉन्शियसली वो ड्रॉ करने लग जाता हूँ अपने आप हाँ, अपने आप मेरा हाथ चलने लग जाता है तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा और जब आप आर्ट नहीं भी कर रहे हो है ना जैसे मेट्रो में जा रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो तो चीज़ों को आर्ट की तरह देखना कैनवस की तरह देखना चालू करिए आप जैसे कुछ भी कुछ भी चीज़ जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उसमें पर्सपेक्टिव ढूंढिए अपनी बैलकनी से नीचे देख रहे हो तो देखो कि लोग कैसे दिख रहे हैं ऊपर से नीचे बर्ड आई बर्ड आई व्यू कैसे दिखता है ये सब जब धूप में जाते हो तो शेडो कैसी दिखती है जब छाव में आते हो तो शेडो कैसी दिखती है तो ये सब आपको ऑन ए डेली बेसिस कंटिन्यूसली अपने माइंड में चलाना पड़ेगा जब भी आप और ज्यादा रैपिडली इंप्रूव कर पाएंगे नेहिल रावल हेलो नेहिल रावल ओके हाउ डू यू ड्रॉ फ्रॉम इमेजिनेशन सबसे इम्पोर्ट सबसे मेन बात प्रैक्टिस uh, है ना सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस और दूसरी चीज़ है, चीज़ है uh, किसी भी चीज़ को फॉर्म की तरह देखना है ना जब आप किसी भी चीज़ को फॉर्म की तरह देखते हो तब वो ईजिली आपके माइंड में सेट हो जाती है तो इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ यूट्यूब uh, पे अगर आपने देखा होगा कि कैसे आईज़ को ड्रॉ करना है कैसे उसको करना है सिंपल शेप्स की तरह तो अभी जो मैं कर रहा हूं वो भी इमेजिनेशन से कर रहा हूं जस्ट लाइक डूडलिंग जब भी मतलब जब भी मैं फ्री रहता हूँ जैसे मान लो किसी का कॉल आ गया या कुछ कुछ भी मैं कर रहा हूँ और जिसमें मेरा इतना दिमाग नहीं लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ मैं यही करने लग जाता हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ है ना सिंपल जो भी मेरे को अच्छा लगता है जो भी ईजी लगता है वो मैं करने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे को पोर्ट्रेट्स काफ़ी ईजी लगते हैं तो अभी देखो मैं पोर्ट्रेट ही बना रहा हूँ बोलता बोलता इमेजिनेशन से है ना तो ये ये आपको आदत डालनी पड़ेगी अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आपके भाई इतने सारे कमेंट्स भाई एक सेकंड में दो तीन कमेंट आ रहे हैं और मैं पढ़ भी नहीं पा रहा सर आई कैंट ड्रॉ विद वाटर कलर प्लीज गिव मी सम टिप्स आई एम वेरी बेटर आर्ट के बार आराध्या यार मैंने यूट्यूब चैनल पर मेरे देखोगे आप ज्यादातर वाटर कलर ट्यूटोरियल्स ही हैं और मटेरियल्स के बारे में मत पूछना यार मटेरियल्स मैं जो यूज करता हूँ मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे और बहुत ही जो सबसे सस्ते मटेरियल्स हैं जो आपको इजीली प्रोवाइड हो सकते हैं किसी भी स्टेशनरी से मैं सिर्फ वही मटेरियल यूज करता हूं अभी तक मतलब मैं कोई ऐसे फैंसी मटेरियल्स बिल्कुल यूज नहीं करता ना ही मैं सजेस्ट करता हूं किसी को यूज़ करने के लिए सबसे चीपेस्ट मटेरियल मैं यूज करता हूँ ये देखो बॉल पेन यूज कर रहा हूँ मैं सबके पास होगा बॉल पेन एक और ये प्रिंटर पेपर है सबके पास प्रिंटर पेपर होगा आर्टिस्ट संकू थैंक यू भाई थैंक यू सो मच यार फॉलो करें इंस्टाग्राम पे थैंक यू सो मच अच्छा ये अप्लाई करना पड़ता है क्या आदित्य शर्मा सिल्वर प्ले बटन यार मेरे को चाहिए यार वो टांगना है मेरे को घर पे कुछ मेरे यहाँ पे कुछ तो दिखना चाहिए तो मुझे पता नहीं था अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए शायद एड्रेस वगैरह भी देना पड़ेगा मुझे सच में नहीं पता मैं अप्लाई करना मेरे को लगा वो ऐसे ही भेज देंगे Uh, eat, uh please draw the girl behind in pink sari in western style or any different perspective because she is so beautiful okay uh, what challenges you faced sir art with Harshid. मतलब चैलेंज किस चीज में भाई थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्वेश्चन को अपने वो करो कि किस किस चीज़ में चैलेंज की बात कर रहे हो आप पूजा नंदी जी वॉन्टेड टू नो रिगार्डिंग योर क्लासेस पिंग टू ऑन इंस्टाग्राम अच्छा मैं क्लासेज नहीं देता आई आई प्रोवाइड वर्कशॉप्स एवरी मंथ मंथ एंड में मैं वर्कशॉप प्रोवाइड करता हूँ तो वर्कशॉप से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी है तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाके वहाँ पे बायो में मैंने दिया हुआ है है ना सब कुछ दिया हुआ है कोई कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या आपको सीखने को मिलेगा सब कुछ ए टू जेड मैंने दिया हुआ है उसमें शिव वैद आर्ट हेलो हेलो ब्रो व्हाट चैलेंजेस यू फेस सर आर्ट विद हर्षित यार अच्छा दोबारा पढ़ लिया अपने कमेंट अच्छा चैलेंज मतलब किस चीज में बोल रहे हो भाई साहब इतने कमेंट्स यार इतने तो आज एनीमे आर्ट करते हैं क्या इश है? क्या इशू कुछ बुरा होगा अच्छा एनीमे आर्ट करते हैं यार करने दो जैसे उनको खुशी मिल रही है तो वो करने दो आर्ट मतलब खुद की खुशी के लिए भी करते हैं लोग तो जिसमें लोगों को खुशी मिल रही है बस मतलब ले लो खुशी क्योंकि सब स्टार्ट वैसे ही करते हैं ना सारे आ, एकदम प्रो आर्टिस्ट तो बनते नहीं है वो धीरे धीरे ही। मैंने भी स्टार्ट किया था आ, जैसे ड्रैगन बॉल जी ये सब सिंचैन ये सब ड्रॉ करके स्कूल में जब भी मेरे को कोई न्यूज़पेपर में कोई बढ़िया इमेज मिलती थी कार्टून टाइप तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको पेपर मतलब एक्साइड हो जाता था तो उसको देख के कि मेरे को इसको ड्रॉ करना है तो मैं उसकी कटिंग ले, ले लेता था तो कटिंग ले मैं फिर यू नो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता था अपनी स्केचबुक में रीसेंट रील्स पेपर यूज अच्छा मैं आपको पेपर दिखाता हूं ठीक है मैं पेपर के बारे में क्लैरिटी देता हूं आपको एक सेकेंड बस आ, ये देखो ये इस टाइप के पेपर होते हैं मेरे पास तो मैं पेपर के बारे में बताता हूं आपको ये देखो ये है आर्टो थ्री हंड्रेड जीएसएम हॉट सॉरी कोल्ड कोल्ड प्रेस पेपर तो ये थोड़ा ग्रेनी होता है और सबसे ऑनलाइन uh, में सबसे सस्ता पेपर यही आपको मिलेगा है ना तो ये भी उसी पे है ये भी उसी पे है और ये भी उसी पे है ये उसी वही पेपर है ठीक है और ये भी वही पेपर है तो जितने भी रील्स के लिए मैं बनाता हूँ मोस्टली यही पेपर है क्योंकि चीप है है ना चीप है ये पेपर और कमीशन वर्क के लिए क्या होता है कि मुझे छोटी जगह पर ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ती है ठीक है तो जैसे ये पेपर है देखो फुल 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 है ये फुल हेड टू टो है ना हेड टू टू है तो ये छोटी जगह है और यहाँ पे देखो पूरे पोर्ट्रेट के फेशियल फीचर्स मुझे ड्रॉ करने पड़ते हैं तो इसमें डिटेल ज़्यादा होती है तो इसके लिए मुझे ग्रेनी के, ग्रेनी शीट नहीं चाहिए इसके लिए मुझे चाहिए प्लेन शीट तो ये होता है हॉट प्रेस्ड पेपर जो कि एकदम प्लेन होता है और जो एक कोल्ड प्रेस्ड पेपर होता है इसमें होते हैं ग्रेन्स तो इसमें आप ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाते मतलब छोटे एरिया में तो कमीशन वॉक मेरे को ए फोर में मिला था तो छोटा एरिया में पूरा बनाना था तो इसीलिए मैंने ये पेपर यूज़ किया है ना तो इसकी जगह मैं वो पेपर भी यूज कर सकता था अगर ए थ्री होता पर छोटी जगह पे करना है आपको तो आपको चाहिए स्मूथ पेपर राइट और ये देखो ये है फेब्रियानो का आर्ट, आर्ट आर्टिस्टिको ये भी कोल्ड प्रेस्ड पेपर है तो यही दो पेपर मोस्टली मैं यूज करता हूँ और बाकी रफ स्केचेस के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने ये ले रखा है आ, क्या बोलते हैं इसको प्रिंटर पेपर क्योंकि सबसे सस्ता यही मिलता है ना अगर मैं स्केचिंग स्केच बुक यूज़ करूँगा तो स्केच बुक में क्या रहता है कि बहुत कॉस्टली बढ़ जाता है ठीक है तो खराब करने का मन भी नहीं करता तो इस पर मैं रफ़ स्केचेस बड़े ईजिली कर सकता हूँ इस इस चीज़ इस पर तो मैं यही यूज़ करता हूँ रफ स्केचिंग के लिए जैसे मैं अभी कर रहा हूँ यार कमेंट ऐसा आ रहे हैं मतलब देख रहे हो मतलब बहुत ही तेजी से आ रहे हैं मैं एक भी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा तो जिसके नहीं आंसर मिल रहे बुरा मत मानना है ना तो अभी मैं एक और स्केच करता हूं अच्छा इस पेन के बारे में भी लोग बहुत पूछते हैं तो ये है फेबर कैसल का पिट आर्टिस्ट पेन जिससे मैं फ्री हैंड ड्राइंग्स करता हूं यार एक ही कमेंट लोग दस बार कर रहे हैं ऐसा मत करो यार कमेंट खो जा रहे हैं आर्ट फ्यूचर में थोड़ा कुछ बता दो अजय आर्ट पूछ रहे हैं कि आर्ट के फ्यूचर के बारे में कुछ बता दीजिए देखो सबसे पहले तो आपको आर्टिस्ट बनना है तो बहुत सारी फील्ड है आर्ट की ना एक फील्ड नहीं है बहुत सारी फील्ड है मैंने जब स्टार्ट किया था 2016 थाउजेंड सिक्सटीन हाँ सिक्सटीन में किया था तब मैं कॉलेज कर रहा था तो कॉलेज में मैंने यू नो you know, क्या 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 स्टार्ट किया मैंने टैटू टैटू बनाना स्टार्ट किया तो मैंने खुद के पैर पे बना रखे हैं टैटूज ना काफ़ी सारे तीन टैटू मैंने अपने अपने खुद के पैर पे बना रखे हैं ताकि जब भी लोगों को मतलब दिखाना हो कि मैं भी बना लेता हूँ तो सीधा पैर आगे कर दूँ भाई मैंने देखो ये बना रखा करके ऐसा है ना तो आर्ट आर्ट वो भी है आर्ट डिजिटल आर्टिस्ट भी है गेम आर्टिस्ट भी हैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं आर्ट ये नहीं है जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ ये आर्ट नहीं है या सिर्फ पेंटिंग करना आर्ट नहीं है कैलीग्राफी भी आर्ट है बुक के लिए डिज़ाइन करना भी आर्ट है है ना ये इलस्ट्रेशन बनाना ये सब भी आर्ट है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी जो मेन इंटरेस्ट uh, है जिसमें आप अच्छे हैं वो क्या चीज़ है और उसमें आपको फर्दर घुसना पड़ेगा है ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ uh, पहले आप देख लो कि इसमें इसमें आर्ट uh, में फ्यूचर है तो मैं इसमें जाऊंगा ऐसा नहीं करना लोग यही करते हैं जैसे आपने देखा होगा लोग इंजीनियरिंग बहुत करते हैं बहुत मजाक बनता है इस चीज़ का ना कि इंजीनियरिंग कर लो क्यों करते हैं लोग ताकि वो देखते हैं फ्यूचर तो आर्ट में तो भाई ऐसा मत करो आर्ट में इंटरेस्ट देखो अपना कि क्या इंटरेस्ट है आपका और वो आपको ही पता है मैं नहीं बता सकता और बहुत सारी आर्ट फील्ड हैं तो इस लाइफ में तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा एक एक चीज़ को पर सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपको क्या पसंद है और किसमें आप सबसे सब ज्यादा अच्छे हो उस चीज के पीछे पड़ा जाओ बस जैसे मैं जै, जैसे मैं पढ़ा था तो मेरे को इलस्ट्रेशन काफी पसंद थी है ना इलस्ट्रेशन जैसे मैं अभी कर रहा हूं इलस्ट्रेशन बहुत पसंद थी तो मैंने धीरे धीरे यू you नो know, मैंने चार पांच बुक्स इलस्ट्रेट की हुई है अभी तक तो फिर मैं डिजिटल डिजिटल आर्ट में आ गया था मतलब डिजिटल आर्ट करने लग गया था फिर मैंने जब जॉब छोड़ी तो डिजिटल आर्ट मतलब इतना नहीं करा मैंने फिर डिजिटल आर्ट बट 2019-20 में मैंने काफ़ी सारे डिजिटल डिजिटल आर्ट वर्कस किए मैं भी आपको डिजिटल आर्ट वर्क भी दिखाता हूँ अपने थोड़ी देर में अभी और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं कवर पेज किस चीज का कवर पेज बीजे के आर्ट्स किस चीज का कवर पेज पूछ रहे आप गौरव से आइवरी पेपर गुड फॉर कलर नहीं यार वो ना थोड़ा वॉटर को रिटेन नहीं कर पाता अच्छे से बट अगर आप एक दो लेयर क्विक क्विक वर्क करना चाहते हैं तो एक दो लेयर के लिए ठीक है वो बट उसमें ज्यादा लेयर आप ऐड नहीं कर पाओगे तो नॉट दैट सुटेबल फॉर वाटर कलर्स अगर आपको थोड़े से लस्टेशन करने हैं सिंपल तो तब आप यूज कर सकते हो उसको विच कलर्स यूज यूज फॉर वाटर कलर्स मैं यूज करता हूं कैमल मोस्टली कैमल उ डू ए पर्सन नोज कैच आर्ट यार क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मुझे थैंक यू सो मच वैव थैंक यू सो मच थैंक यू कैन वी नॉट मेक फ्यूचर अच्छा आपने uh, कौन सी डिग्री की है अभिषेक चौधरी आर्ट पूछ रहे हैं आपने कौन सी डिग्री की है भाई मैंने ट्वेल्थ में ना टेंथ के बाद एलेवेंथ में मैंने कॉमर्स ली थी है ना कॉमर्स लेने के बाद मैंने फिर ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद मैंने डी में एडमिशन लिया दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो उसमें मैंने बी ऑनर्स किया था तो बी ऑनर्स के बाद फिर मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई और मेरी जॉब मतलब कॉलेज से जॉब लग गई थी मेरी तो फिर एज एन अकाउंटेंट मैंने काम किया है चार साल केक वाटर मैंने केक वाले वाटर कलर्स कभी यूज नहीं किया यार कभी नहीं यूज किया मैंने केक वाले वाटर कलर्स सिर्फ आ, ट्यूब वाले क्योंकि ट्यूब वाले वाटर कलर्स मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा मतलब वो गंदे नहीं होते उसको किसी में भी मतलब डाल सकते हैं तो मैंने कभी आज तक आ, आ, नहीं खरीदे मैंने केक वाले पता नहीं मेरे को मन ही नहीं किया कभी खरीदने का भी उसको सर कैमलिन का वाटर कलर यूज़ करते हैं हाँ जी टैटू आर्ट क्यों बंद किया आपने भी अच्छा सुनील सुनील गेमार जी पूछ रहे हैं टैटू बनाना क्यों बंद किया यार टैटू बनाने में ना जब आ, मैंने 2016 में तो किया था मैंने ठीक है फिर मेरी जॉब लग गई तो उसमें पॉसिबल नहीं था टैटूज वगैरह ना कंटिन्यू करना इसीलिए मैंने छोड़ दिया वो तो उसी चक्कर में मैंने फिर आर्ट वगैरह शुरू किया था मतलब स्केचिंग वगैरह करना शुरू कर शुरू किया मैंने फिर क्योंकि टैटू मतलब एक तो बॉक्स होता है वो और ले जाना इधर उधर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब दिक्कत देता है वो ना तो इसीलिए मैंने मेरे को छोड़ना पड़ा वो तो मैं स्टार्ट करूंगा मैं सोच रहा हूँ अभी मतलब अपने खुद के टैटू एक दो और बनाने हैं मुझे तो अभी मैं क्योंकि मेरी जो पहले वाली किट थी टैटू की वो मतलब एक्सपायर सी हो गई इंक, इंक सारी ना तो अभी मैं देखूँगा मैं परचेज करने वाला हूँ टैटू का सामान दोबारा और शायद मैं अपने बनाऊँ टैटू और प्रियांश प्रियांशु साई फेस के लिए देखो यार फेस के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं आप लोग देखते नहीं हो मेरे व्यूज़ आते नहीं है ना कमाई होती है यूट्यूब से जिसके कारण मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना ही बंद कर दिया बिल्कुल लर्निंग नहीं हो रही थी मेरे यूट्यूब पे इंफर, मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता भी हूँ तो उसमें व्यूज़ नहीं आते मेरे को समझ नहीं आता क्यों नहीं आ रही वाई आर यू नॉट फेमस यार ये एक सवाल तो बनता है पूछना अच्छा ममिता के पूछ रहे हैं विच कैमरा यू यूज यू अच्छा मैं कैमरा के बारे में बताता हूँ कैमरा मैं यूज़ हूँ आईफोन अभी 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 भी मैं यूज हूँ आईफोन थर्टीन तो ये बेसिकली मैंने इसीलिए लिया था वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए क्योंकि आ, मैं पहले सोचा था डी लेने के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ना उसमें मेरे को इतना समझ नहीं आया कैसे यूज़ करना है ये सब तो फिर मैंने आईफोन ही लिया क्योंकि फ़ोटोज़ वग़ैरह भी लेनी पड़ती है और ये हैंडी भी है तो इसलिए कौन सा कैमरा बेस्ट है यार मुझे ही नहीं पता कैमरा का सच बताऊँ तो मैंने आईफोन लिया है क्योंकि आईफोन का ठीक ठाक है मतलब ठीक है यार बाकी से तो ठीक ही है तो इसीलिए लिया था और वीडियोस धूप में काफ़ी अच्छी आती है इससे ना तो आपने अगर मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे तो सारी वीडियोस मैं इसी से ही रिकॉर्ड करता हूँ आपको ग्रिड्स की ज़रूरत कहा गया आपको अरे क्वेश्चन था ग्रिड्स के बारे में आपको ग्रिड्स की ये देख रहे हो आप कैसे कमेंट्स आ रहे हैं मैं नीचे भी नहीं कर पा रहा किसी ने ग्रिड्स के बारे में पूछा था वो चला ही गया लोड भी नहीं हो रहा सर uh, आप जॉब क्या करते हो uh, मैं जॉब यार जॉब मैं अभी फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ मैं जॉब कुछ नहीं करता मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ अभी तो मैं यही करता हूँ जो अभी मैं कर रहा हूँ ना मैं वही करता हूँ होप योर फ्यूचर लाइफ पार्टनर इज वॉचिंग दिस लाइफ भाई थैंक यू यार इतना सोचने के लिए <laughs> uh, किसने लिखा है वो चला गया ऊपर नाम पढ़ नहीं पाया मैं विच पेन सू यूज मैं भी यूज कर रहा हूँ फेबर कैसल पिट आर्टिस्ट पेन यूट्यूब से कितना अर्न कर लेते हो वी आर टी पूछ रहे हैं यूट्यूब से कितना भाई मत पूछो भाई मत पूछो यार ये मतलब दर्द मतलब बहुत दुख होता है यार कुछ कमाई नहीं होती यार यूट्यूब से मतलब तीन चार महीने बाद मेरे पास पेमेंट आती है समझ रहे हो तीन चार महीने बाद और आपको पता है कि कितनी कितनी आती है कितनी लिमिट होती है पेमेंट की तो वही आता है मेरे पास तीन चार महीने बाद जो कि है सौ डॉलर सौ डॉलर तो आप कन्वर्ट कर लो उसको इंडियन रुपीस में तीन चार महीने में इतना आ रहा है अभी तो होपफुली अभी देखते हैं अभी क्या शायद थोड़ी और यू नो you know, मैं अगर रेगुलर रहूँ यूट्यूब पे तो कुछ हो भला मेरा भी यहाँ पे पर अर्निंग्स तो यार बिल्कुल नहीं हो पाती यूट्यूब से आपको अच्छा आपको ग्रिड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अच्छा ये पूछा है किसी ने यार ग्रिड्स की ज़रूरत पड़ती है पर मैं कमीशन वॉक के लिए मैं ग्रिड यूज करता हूँ जैसे कि अगर मेरे पास कोई कमीशन वर्क है जैसे कि ये तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं ग्रिड्स की देखो ग्रिड्स बनाए हुए मैंने तो यहाँ पे मैं ग्रिड्स यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये देखो ग्रिड्स है दिख रहा है ग्रिड्स ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आ, एकदम एग्जैक्ट बनाना होता है ना इसीलिए तो इसमें टाइम वेस्ट भी कम होता है ग्रिड से ग्रिड से जब मैं बनाता हूँ तो टाइम वेस्ट भी थोड़ा कम होता है तो इसीलिए पर जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कुछ इमेजिनेशन से बना रहा हूँ तब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ठीक है ये इमेजिनेशन से मैं बना रहा हूँ तो फिर इसमें ग्रिड्स की ज़रूरत क्या ही पड़ेगी बिल्कुल नहीं पड़ती इसमें ग्रिड्स की ज़रूरत यार ट्यूटोरियल मत मांगो यार बात मतलब अभी मतलब मैं बस बात करने के लिए आ, कोई भी क्वेश्चन आपके पूछ रहा यार अभी ट्यूटोरियल मैं नहीं दे पाऊंगा सॉरी डिजिटल पेड बाय करना कुछ ओप आ, क्या कुछ क्या डिजिटल पेड अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा डिजिटल आर्ट के लिए अच्छा देखो मैं डिजिटल आर्ट के बारे में बताऊं तो अगर आपके पास अभी जैसे आप स्टूडेंट हो और आपको डिजिटल आर्ट करना है तो भाई थोड़ा खर्चा है उस चीज़ में ना पर आपको अगर प्रैक्टिस ही करनी है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं जिनको आप डाउनलोड करके यू नो काफ़ी सारे अच्छे आर्ट वर्क भी क्रिएट कर सकते हो एक एक आपको स्टाइलस ख़रीदना होगा क्योंकि उंगली से करोगे तो उंगली दर्द होने लगती है एकदम बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगती है मैंने किया हुआ है सिर्फ़ उंगली से करने का भी ट्राई पर वो ट्राई मत करना आप आप एक स्टाइलस ले लो ना जो मैं स्टाइलस यूज़ करता था उसका नाम था ई एल वी ई एल वी स्टाइलस तो ये आपको अमेजन वगैरह पर मिल जाएगा यू आर अर्निंग मंथली अप्रोक्स यार भी मैंने बताया यार बार बार आप वही नमक मतलब जले पर नमक छिड़े कर रहे हो भाई कुछ अर्निंग नहीं होती यार यूट्यूब से विच tripod you यू यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्राईपॉड यूज नहीं करता यार मैं स्टैंड है मेरे पास देखो ये मैं यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा इसका तो ये ये मैं यूज करता हूँ ठीक है तो काफी अच्छा है किसी भी एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हो इससे किसी एंगल में भी बना सकते हो तो मैं यही यूज करता हूं अपने रिकॉर्डिंग के लिए डज योर फैमिली सपोर्ट इन दिस और पूछ रहे हैं आपकी आ, फैमिली सपोर्ट करती है देखो मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं ना उनकी फैमिली सपोर्ट करेगी जहाँ से उस चीज़ को जहाँ से अर्निंग होगी सिंपल बहुत ही साफ सीधे शब्दों में है अगर आपकी अर्निंग आप डांस करते हो अगर आप डांस से अच्छा कमा कमा ले रहे हो तो फिर फैमिली बिल्कुल मना नहीं करेगी भाई डांस करने के लिए मतलब फैमिली आपको बस गरीब नहीं देखना चाहती है ना आपको स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहती तो इसीलिए कहते हैं वो बेटा पढ़ लो बेटा पढ़ लो बेटा ये कर लो बेटा वो कर लो क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है उन्होंने स्ट्रगल देखे हुए हैं सारे है ना तो जिनके बारे में उनको नहीं पता जैसे आर्ट के बारे में नहीं पता था लोगों को मेरे घर वालों को भी नहीं पता था इसीलिए उन्होंने आज तक मेरे को मतलब इनकरेज भी नहीं किया था आर्ट के लिए क्योंकि उनको ही नहीं पता था मुझे ही नहीं पता था कि आर्ट में भी अर्निंग हो सकती है है ना तो कैसे मतलब वो सपोर्ट करते हैं अगर उनको पता होता कि नहीं इस चीज़ में भी फ्यूचर हो सकता है तो वो डेफ़िनेटली सपोर्ट करते तो जब उनको दिखा कि हाँ इस चीज़ इस से भी कुछ यू you नो know, कर रहा है लड़का तो फिर यू नो सपोर्ट किया उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया फ्री हैंड पोर्ट्रेट बनाने का मतलब सीखने का बेस्ट वे क्या है यार एक स्केच बुक लो और डेली कुछ ना कुछ एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करो उसमें सिंपल जैसे मैं कर रहा हूँ तो डेली आप कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉ करो सीख जाओगे कैसे नहीं सीखोगे आर्ण, लोग आर्ण, कुछ लोग ना बस अर्निंग अर्निंग के बारे में पूछ रहे पूछ रहे हैं अच्छा डिजिटल आर्ट में दिखाता हूँ अपनी डिजिटल आर्ट दिखाता हूँ आपने ठीक है तो ये थी ट्रेडिशनल आर्ट ट्रेडिशनल ट्रेडिशनलेशन ये इमेजिनेशन से भी ड्रॉ किया है तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करता रहता हूँ ना अभी आपको अपने स्केचेस भी मैं दिखाने वाला हूँ तो अभी ये मेरा आई है तो आई ये सबसे सस्ता वाला आई है जो मैं यूज़ करता हूँ आई पैड एयर अभी इसका कवर भी देखो तीन चार साल से मैं बदला नहीं एकदम खस्ता हालत हो गई है इसकी तो अभी मैं आपको अपना डिजिटल आर्टवर्क दिखाता हूँ कुछ डिजिटल आर्टवर्स दिखाता हूँ जो मैंने किए थे ए, देखो तो अभी सॉरी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं अभी आईपैड में देख रहा था तो अभी आईपैड आपको दिखा रहा हूँ तो देखो ये ये मैंने बुक के इलेट्रेशन किया था तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने बनाया ये तो ये देखो रफ स्केच रफ स्केच है और किसी ने बीस रुपये दिए भाई थैंक यू यार किसने दिए ये <laughs> मेरे पास बीस रुपए आए यहाँ पे थैंक यू सो मच यार ये भी होता है यहाँ पे पता नहीं था मुझे मैं लाइव आना पड़ेगा यहाँ पे और ज्यादा <laughs> पैसा मूव में आया है हाँ पैसा है तो सही पर यार घर इसी से चलता है आर्ट करना है आर्ट करना है तो इसी से करना पड़ेगा ये देखो तो इस तरह से ये बना है पेंटिंग और ये मैंने बुक के कव, क, कवर के लिए बनाया था बुक बुक के कवर के लिए मतलब एक बुक थी तो उसके उसका कवर आर्ट है तो, और ये एक और बुक है उसके उसका कवर आर्ट वक है ये और ये भी एक बुक थी जो मैंने इलस्ट्रेट की थी तो उसके कवर आर्ट के लिए मैंने ये पेंटिंग बनाई थी तो ये मैंने काफ़ी पहले बनाई थी तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो मुझे अब पता चल रही है उस वक्त तो सब कुछ बढ़िया लग रहा था तो ये देखो पहले रफ स्केच तो हाथ से ही बनाना आजकल का क्या आ रहा है कि ए आई की मदद से बना रहे हैं लोग ना तो पहले सब कुछ हाथ से सब कुछ ए टू जेड है देखो डिटेलिंग जो स्किन टेक्सचर वो सब सब कुछ हाथ से ही करना पड़ रहा है ये देखो इसमें लगे लग थे बाईस घंटे बाईस घंटे में बनी है ये पेंटिंग बाईस घंटे मतलब लोगों को लगता है कि डिजिटल आर्ट करना आसान है या फिर ट्रेडिशनल आर्ट करना ज़्यादा ईजी है पर डिजिटल आर्ट में भी सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब ट्रे, ट्रेडिशनल आर्ट वाले ही होते हैं तो यहाँ पे भी मतलब आपको आ, आ, शेयर कर, मतलब वही करना पड़ेगा अच्छा कोई पूछ रहा है कौन सी बुक में अभी मैं भी दिखाता हूँ अमेजोन में है अमेजॉन पे है आ, इस बुक का नाम बाहिर है सैद और ये है सिक ऑफ़ बींग हेल्दी अगर आप अमेज़न पर लिखोगे सिक ऑफ़ बींग हेल्दी तो आ जाएगी मेरी मेरी बुक मतलब जो मैंने इलस्ट्रेट की थी और ये है फर्स्ट प्रोफेशनल वर्क जो मैंने किया था पहला प्रोफेशनल वर्क तो ये भी ये भी मैंने आईपैड पे बनाया था और ये सिंपल इलस्ट्रेशन ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी मतलब मैंने अपने स्टाइल में बनाया था इसको अपने स्टाइल में बनाने की कोशिश की थी ये देखो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था पर मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया यार मुझे आज तक समझ नहीं आया मैंने इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया Uh, इसका मैं दिखाता तो हूँ आपको कैसे बनाया था मैंने ये देखो मतलब पूरा ट्रेडिशनल जैसा ही uh, बनाया था ही मैंने तो काफी लोगों ने अपनी डीपी बदल ली मतलब लड़कियों ने स्पेशली अपनी डीपी में ये ये लगाया मतलब काफी अच्छा लगता है ना जब आप ऐसा करते हैं लोग और 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 हाँ एनिमेशन एनिमेशन दिखाता हूँ आपको ना ये देखो ये मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ पहले भी लाइव में बट आप देख लो ये मेरा लास्ट एनिमेशन है जो मैंने किया था तो मैं बताता हूँ क्यों मैंने छोड़ दिया एनिमेशन करना पहले एनिमेशन देख लो आप तो ये मैंने एनिमेशन किया था ना कोई कलर है ना कुछ है बैकग्राउंड भी नहीं है और ये सिर्फ दो सेकेंड का है सिर्फ दो सेकेंड का एनिमेशन है और कुछ भी नहीं है देखो कुछ भी नहीं है बस ये लड़की भाग रही है ना तो इसको करने में मुझे सात घंटे लगे सात घंटे इमेजिन कर सकते हो सात घंटे सिर्फ दो सेकंड के एनिमेशन में लगे मुझे तो सोचो क्यों मैंने छोड़ा एनिमेशन मतलब नहीं कर... नहीं करता मैं अब ज़्यादा ये एक पेंटिंग है जो मैंने की थी और सबसे पहला एन मैंने यही बनाया था आपको पता होगा एन के बारे में पर ये आज तक बिका नहीं <laughs> ये भी लिस्टेड है बट अभी तक बिका नहीं है शायद मैंने प्राइस बहुत हाई रख दी इसके तो ये मेरा पहला एन एफ वर्क है ये देखो काफ़ी सारे मैंने इसमें थीम ट्राई किए थे यहाँ पे देख सकते हो आप ये देखो ऐसे मैंने ट्राई किया था पर ये पसंद नहीं आया फिर मैंने ऐसे ही रख दिया और ये देखो ये तो आपने देखा होगा ये तो मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखा है इसका तो यही सब है और ये सारी पेंटिंग्स हैं जो मैंने की थी ये एक यूट्यूब चैनल के लिए मैंने पेंटिंग पेंटिंग्स सुनाई थी ये देखो ये बहुत ही सिंपल सिंपल पोट पेंटिंग्स हैं ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें ये देखो बहुत सिंपल जैसे टू एनिमेशन टू पेंटिंग होती है ना वैसी पेंटिंग्स हैं ये तो ये इसमें बहुत टाइम लगा था यार मुझे देख रहे हो इसमें बहुत टाइम लगा था बनाने में तो ये सारी डिजिटल पेंटिंग्स है मेरी तो ये सारे डिजिटल आर्टवर्क्स हैं अभी मैं देख लेता हूँ कमेंट्स में देख नहीं पा रहा अच्छा यहाँ पे सुपर चैट भी होती है क्या? ओके यहाँ से पैसे भेज सकते हैं अभी मेरे पास आए थे यार किसी ने बी ओ सिक्सटी रुपीज ओ भाई अमीर हो जाऊंगा मैं तो यहाँ पे थैंक यू यार ये मतलब पहली बार लाइफ में किसी ने ऐसे मतलब लाइफ में मेरे को पहली बार मिल रहे हैं और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कसम से दिखा नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ ये देख के थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू तो अभी मैं क्या करूँ मैं इसको ही वो करता हूँ और इसको ही थोड़ा डेकोरेट कर लेता हूँ अच्छा जितने भी नए आर्टिस्ट हैं जितने भी वो हैं मैं एक आपको सजेस्ट करूँगा ये बुक पढ़ो मतलब मैं हर जगह सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये पता हो मतलब जो हैबिट्स होती है ना चाहे आप आर्ट आर्ट कर रहे हो चाहे आपने यूट्यूब पे कुकिंग चैनल स्टार्ट किया चाहे आप डांसिंग कर रहे हो चाहे आप म्यूजिशियन हो चाहे कुछ भी हो मतलब ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए है ना जो इस बुक में बताया गया है तो मुझे काफ़ी पसंद है ये बुक मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने पढ़ी आज तक तो ये बुक आप आप जरूर पढ़ना और हो सके तो ये बुक भी पढ़ लेना डीप वर्क करके है ना तो ये दो बुक हैं और बुक्स में अभी आपकी उम्र सारे जितने भी मुझे देख रहे हो आपकी उम्र शायद चौदह पंद्रह साल से लेके चौबीस पच्चीस साल के बीच में ही होगी उससे ज़्यादा कोई देखता नहीं है मुझे मुझे पता है तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल है बहुत ही ज़्यादा तो इस टाइम को सिर्फ अपने ऊपर अपने को बनाने के ऊपर इन्वेस्ट करो मतलब बस खुद को बनाने के लिए लग जाओ इस टाइम पे है ना क्योंकि लाइफ में आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन मिलने वाली है बहुत सारी उन डिस्ट्रैक्शन को हटा के सिर्फ अपने पे काम करने के लिए मतलब ये जो टाइम है आपका सिर्फ अपने पर काम करने के लिए है तो अगर आपने इस पे इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन को हटा के अपने ऊपर काम कर लिया तो मतलब बहुत कुछ कर जाओगे आप लाइफ में मैं अभी पता नहीं ऐसे आ, कैसे भाषण दे रहा हूँ पर मेरे को अभी मन कर रहा है बोलने का <laughs> क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ यूट्यूब पर और इतने सारे कमेंट्स देख के मतलब काफ़ी खुशी हो रही है मुझे तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ भी आपको वैल्यूबल बस थोड़ा सा वैल्यूबल चीज़ें सुना के जाऊँ आज के लाइफ में क्योंकि अभी मैं ट्यूटोरियल वगैरह तो नहीं दे सकता मैं बस बात करने के लिए आया था तो अभी मैं देखता हूँ किसी का कोई कमेंट है तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम इनकम भाई इंस्टाग्राम से इनकम नहीं होती यार आपको गलत फहमी है इंस्टाग्राम से इनकम ऐसा कोई मिलती नहीं है अच्छा वो आजकल एक इंस्टाग्राम पे भी आया है तो वो मेरा हुआ नहीं है अभी है ना इंस्टाग्राम पे भी आप रील्स को मोनेटाइज कर सकते हो पर मैं मेरा अभी हुआ नहीं है वो चीज़ तो उससे इनकम होएगी तो मैं बताऊंगा आपको पर वो भी अभी बंद है मेरा और वैसे इंस्टाग्राम पे कोई नहीं होता बस वहाँ से क्या है कमीशन वर्क्स आ जाते हैं और ब्रांड्स ब्रांड्स अगर कोई कोलैबोरेट करना चाहे आपके साथ तो वो कर सकता है तो वैसे कोई इनकम नहीं देता यूट्यूब की तरह चलो मैं अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं ट्यूटोरियल वाटर कलर ट्यूटोरियल करो तो चलो मैं एक वाटर कलर ट्यूटोरियल करता हूँ ठीक है आपके लिए और बात भी करते हैं साथ साथ में तो मैं क्या ड्रा करूँ सबसे ईजी चीज़ मैं ड्रा करूँगा ठीक है सबसे ईजी चीज़ मैं ड्रा करने वाला हूँ और जैसे मैंने तीन फेसेस यहाँ पर ड्रा करे सबसे ईजी फेस इसमें से ये वाला है है ना तो चलो मैं यही करता हूँ मैं फ़ैन ऑन करता हूँ यार मतलब दिल्ली में हूँ मैं गर्मी हो रही है यहाँ पे ठीक है तो शायद अभी आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आएगी आपको तो मैं रेफरेंस लेके करूं या फिर इमेजिनेशन से करूं ये बताओ आप रेफरेंस से लेके करूं या इमेजिनेशन से करूं चलो मैं इमेजिनेशन से करता हूं ठीक है जल्दी हो जाएगा इमेजिनेशन से ही बोल रहे हैं लोग भी तो सबसे सिंपल मैं साइड एक साइड फेस में ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है बहुत ही सिंपल अभी अब मैं कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा क्योंकि कमेंट्स अगर मैं देखने लगा तो ये मेरा बिगड़ जाएगा है ना तो तो ये देखो इमेजिनेशन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको लगेगा कि ये बहुत ही इजी है अभी तो लगेगा क्योंकि अगर आप करने लगोगे तब थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं भाई ये इजी नहीं था बट अभी ईज़ी लग रहा है क्योंकि uh, मैंने uh, अगर आपको इमेजिनेशन से करना है तो uh, आपको कुछ चीज़ें हैं जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी जैसे कि प्रपोशंस हो गया फॉर्म्स हो गए ठीक है फॉर्म हो गया पर्सपेक्टिव हो गया ये सारी चीज़ें प्लेन्स हो गए फेशियल प्लेन्स हो गए ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी तो अभी मैं आ, सोच रहा हूँ मैं कैसे क्या करना है कैसे कलर होएगा तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं तो मैं इसको थोड़ा ईज़ी रखूँगा ताकि हो जाए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में करूँगा नहीं बहुत ही सिंपल में रखने वाला हूँ इसको तो ये सारी चीज़ें जो मैं भी कर रहा हूँ ये मैं बता चुका हूँ YouTube पर ट्यूटोरियल है देख लो यार थोड़ा सा ट्यूटोरियल भी ट्यूटोरियल मैंने डाल रखा है हाउ टू ड्रॉ ए साइड फेसिंग फेस तो वो आप देख सकते हैं जाके मेरे YouTube मतलब YouTube चैनल पे ही आप अभी पर देख सकते हो इसको जाके आप अभी हैंड ड्रॉ करने में मैं क्या करता हूँ अपने ही हाथ का रिफरेंस लेता ज्यादातर तो जैसे मैं अभी अभी ले रहा हूं पर ये तो उल्टा हाथ है ना तो देखो इसमें मैं अंगूठा कहां बनाना है वो सोच रहा हूँ अभी तो ये छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती हैं हैंड ड्रॉ करना यार थोड़ा सा टफ होता ही है एक दो तीन मैं तो उंगलियां भूल जाता हूँ कभी कभी कि कितनी उंगलियां बना दी ज़्यादा बना दी कम बना दी तो गिनना पड़ता है एक दो तीन हाँ ठीक है तो जैसे मैंने बोला बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ तो ऐसा कुछ सेंस मत बनाना कि भाई ये क्यों बनाया ये क्यों नहीं बनाया आपने है ना मैं चाह रहा हूँ कि इसको जितना ईजी मतलब जितना आसान बना सकूँ उतना बनाऊँ और अभी मेरा पूरा फोकस थोड़ा आर्ट मतलब ड्राइंग पे है तो आप लोगों के कमेंट्स में नहीं देख पा रहा तो सॉरी फॉर दैट रियली थैंक यू सो मच गाइज फोर हंड्रेड के मतलब मुझे लग रहा था होंगे ही नहीं मतलब दो हजार लोगों के जल्दी हो जाते हैं यार मेरे बहुत ही बहुत ही स्लो हुए बट कोई नहीं हो गए ऐट लास्ट तो मैं तो भाई बहुत ही खुश हूँ और थैंक यू सो मच आप सभी को जितने भी देख रहे हो और जितने भी देखोगे सभी को क्या बनाया मुझे भी नहीं बचल रहा क्या है ये तो मेरे से मत पूछना क्या बनाया है कुछ ही नारू मैं तो चलो इसको कलर करते हैं फटाफट है ना काफी काफी देर हो गई भाई आप लोगों को भी सोना होगा तो इसको फटाफट में पेंट करता हूँ तो चलो मेरे पास देखो कलर वही है बचे खुचे कलर्स तो मैं ये यूज करने वाला हूँ और ये जो पेन है ना जो मैंने यूज किया है तो ये है वाटरप्रूफ है ना तो वाटर प्रूफ पहन है ये तो इसमें क्या खास बात है कि मुझे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब सॉरी मिटाने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं आ, मतलब वाटर कलर से पानी से ये इफेक्ट नहीं होता कुछ तो ये वाला जो कलर है ये डैनियल स्मिथ का ऑरेंज कलर है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है भाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है मत लेना इसको इससे बढ़िया कोई और कलर मतलब जो नॉर्मल ये वाले कलर्स हैं ये वाले ले लेना ठीक है तो जैसे ये ट्वेंटी एम एल है ये फिफ्टीन एम एल है इसका प्राइस बारह सौ तेरह सौ रुपये है सिर्फ़ इसका प्राइस और इसका प्राइस आप जानते हो पूरे इसका सेट आ जाएगा जितने दो सेट आ जाएंगे इस कलर के इसके प्राइस में वट डू यू डू इन फ्री टाइम अदर देन डू डलिंग यार मैं शो देख लेता हूं अभी मैं देख रहा हूं वन पीस uh, एनिमे देखता हूं मैं ज्यादातर तो आई वॉच वन पीस आई एम वॉचिंग वन पीस आज कल भाई फ्यूचर पार्टनर इज ऑल्सो फॉलोइंग यंस्टा एंड छोड़ो भाई बाद में बात करेंगे उसके बारे में जी तीन चार कमेंट ये वाले मुझे कोई ड्रॉइंग चलेंट्स कलर्स को यूज फ्रॉम डिफरेंस इमेज नहीं कलर्स भी मैं ना इमेजिनेशन से ही कर रहा हूँ ये जो मैं कलर कर रहा हूं वो भी इमेजिनेशन से ही कर रहा हूं तो कुछ कलर्स मैं यहां से उठाऊंगा सोच रहे हैं कि कलर कैसे कर रहा भाई ये? तो मैंने इसके लिए भी मैंने ट्यूटोरियल डाला है जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा मोस्टली लोगों ने नहीं देखा होगा मुझे पता है, नहीं देखा होगा आपने। तभी तो मेरे पैसे नहीं बन रहे यूट्यूब पे। मतलब मैं ट्यूटोरियल डालता हूं व्यू नहीं आते यार उस पे। ये मैंने स्किन टोन्स का भी ट्यूटोरियल डाला हुआ है मेरे को याद है ये मैंने डाला था दो तीन साल हो गए एक दो साल हो गए डाले हुए पर बहुत ही कम व्यूज हैं इसमें भी कोई पूछ रहा है आप दिल्ली से होहन जी हम दिल्ली से हैं ट इज योर फेवरेट कलर कंपनी यार सारे से लगते हैं मेरे को तो जो मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है मैं प्रमोट नहीं करना चाहता किसी को भी बिना पैसों के इसलिए नहीं बोल रहा कुछ हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट ओके मेरा फेवरेट आर्टिस्ट ओके मैं मैं दिखाता हूं चलियो आपको तो माई फेवरेट आर्टिस्ट ही वॉज माई फेवरेट आर्टिस्ट यू कैन सी तो आप लोगों को शायद पता होगा इनका नाम ही इजी और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये अभी हमारे साथ नहीं है मेरा सपना था कि इनसे मिलने का बट नहीं हो पाएगा अब वेदांत राज आर्ट्स यार दिल्ली में कभी आउटडोर पेंटिंग करो हम भी आएंगे यार बिल्कुल मतलब ये मैंने सोचा हुआ है आउटडोर पेंटिंग्स करने का जल्दी तो कुछ महीनों में आप देख देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आउटडोर पेंटिंग्स और बिल्कुल मैं बुलाऊंगा आप लोगों को भी जो भी दिल्ली में है आउटडोर पेंटिंग के लिए मज़ा आएगा यार पर दिल्ली में भी गर्मी बहुत होगी ना वैसे तो पर कोई नहीं <coughs> आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दो यार मैं क्लासेस तो नहीं दे पाता मैं वर्कशॉप देता हूँ हर महीने तो आप देख सकते हो उसको हैव यू ट्राइड पेंसिल कलर स्केचेस यार पेंसिल कलर में नहीं करता ना ही मैं पेंसिल pen, यूज करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो ये देखो मैंने आज ही किया था और देख रहे हो कितना रफली किया है ये मैंने कंप्लीट भी नहीं किया क्योंकि मैं इसको कर रहा कर रहा था कर मतलब इतना <laughs> पांच मिनट लग गए मुझे और वाटर कलर के साथ ये एक मिनट का भी काम नहीं था तो मैंने फिर क्या किया मैंने देखा वाटर कलर के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो मैंने फिर मैंने वाटर कलर के साथ ही बनाया है ना तो ये देखो इसमें इस, इसको बनाने में मुझे पंद्रह बीस पच्चीस मिनट लग थे नहीं ज़्यादा बोल दिया पंद्रह बीस मिनट लगे थे इसको बनाने में करीबन पाँच मिनट लगे मुझे तो कहाँ पच्चीस मिनट कहाँ पाँच मिनट ये डिफरेंस है अंबिका गोगोई हेलो अंबिका रिश्तेदार डैश हैं यार सारे नहीं होते मेरे तो रिश्तेदार भी बहुत कम है तो अभी मैं इसी पे फोकस करता हूं कमेंट्स uh, नहीं पढ़ रहा मैं ये हो जाए फिर मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ ठीक है तो आप देख लो कैसे मैं कर रहा हूँ उसको तो वाटर कलर से मतलब इलस्ट्रेशन बनाना बहुत इजी मतलब क्विक हो जाता है मतलब काफी जल्दी आप इलस्ट्रेशन बना सकते हो वाटर कलर के साथ तो ये मुझे बहुत पसंद है वाटर कलर वाटर कलर के लिए कि काफ़ी जल्दी इलस्ट्रेशन बन के रेडी हो जाता है कलर्स वगैरह तो अभी मैंने बेस कलर किए हैं इस पर अभी बिल्कुल ही मैंने सिंपल रखा हुआ है बेस कलर किए हुए हैं तो अभी इसके बाद क्या करूँगा मैं थोड़े डार्क कलर्स करूँगा क्योंकि वाटर कलर्स में हमेशा लाइट टू डार्क जाना चाहिए है ना तो इसीलिए मैंने लाइट कलर्स पहले किए हैं और इसके बाद मैं डार्क कलर्स करूँगा यहां पर कॉलर थोड़ी सी बोन होती है क्लेविकल तो उसको मैं हल्का सा शो कर रहा हूं यहां दिस like तो मेरे पास आ, ये ड्रायर है और ये ड्रायर मैंने कब ख़रीदा था एक बार मैंने दो उन... मुझे याद है अभी भी जब मैं यूट्यूब पर फर्स्ट फर्स्ट टाइम लाइव गया था है ना तो उस वक्त क्या था सर्दियों का मौसम था और मेरे कलर सूख ही नहीं रहे थे बिल्कुल सूख ही नहीं रहे थे और लोग कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई वाटर कलर जल्दी करने हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए तो फिर मुझे मैंने ये ख़रीदा दो सौ रुपये में खरीदा था दो सौ रुपये में देख रहे क्या हालत होगी इसकी दो सौ रुपये में खरीदा था ये मैंने दो हजार उन्नीस में और अभी भी मतलब बढ़िया काम दे रहा है ये तो अभी देखो जैसे ही मैं थोड़े से डार्क कलर्स ऐड करूँगा यहाँ पे तो पेंटिंग में थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी है ना थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी पेंटिंग में थोड़ा और ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगेगा ये आपकी एज क्या है अजय आर्ट पूछ रहे हैं एज मेरी एज है ट्वेंटी सिक्स भाई ट्वेंटी सिक्स विच टाइप ऑफ कलर इज़ हार्ड अकॉर्डिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ ब्लेंडिंग आई वुड से एक्रेलिक्स थोड़े हार्ड हैं और टाइम के लिए बोलें तो ऑयल पेंटिंग ऑयल पेंट थोड़े हार्ड है गैस क्या है आप कल यूज कर रही थी है? बिशल कुमार नहीं यार वीडियो डिलीट नहीं करूंगा मैं इसको शेयर करने वाला डिलीट नहीं करूंगा इंस्टाग्राम पे मैं कर देता हूं थोड़ा मतलब नहीं सेव करता यहाँ पे तो आज आराम से बन रहा है पोर्ट्रेट और मतलब सही है और फायदा भी है यहाँ पे लाइव में अगर पोस्ट करता हूँ तो मेरा ही फ़ायदा है क्योंकि वीडियोस तो मैं डाल नहीं पाता तो लाइव से ही थोड़ा सा इंट्रैक्शन बढ़े विच पेपर यूज तो अभी मैं पेपर जो यूज कर रहा हूं वो है आटो थ्री हंड्रेड जीएसएम आपका भाई बहुत क्यूट है यार मेरा भाई नहीं यार वो मेरा भांजा है भांजा है मेरा वो भाई नहीं है आ... गुरशान सिंह सर ऑन व्हाट वी शुड स्टार्ट वाटर कलर पेंटिंग कैन कैनवस पे कैसे कर लो यार कैनवस पे वो पेपर वाटर अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा कैनवस पे तो सोचो ही मत करने की पेपर पे ही करना है कैनवस पे नहीं कर पाओगे आप तो अभी मैं हेयर हेयर को कर रहा हूँ और इसको थोड़ा मैं वो ही रखूंगा लाइट तो थोड़ा ग्रेडियंट बनाते हैं हेयर पर ताकि थोड़ा सा और थोड़ा सुंदर टाइप का लगे ना तो ये देखो ग्रेडियंट मैं बना रहा हूँ अलग अलग कलर्स का और मैं अभी डिटेलिंग नहीं कर पाऊंगा इसमें डिटेलिंग काफ़ी चाहिए तो मैं वो डिटेलिंग नहीं कर रहा यहाँ पे तो क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है मुझे इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि लोग गुड नाइट बोल के जा रहे हैं अभी शायद मेरे को भी जाना है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना है इसको क्राफ़्टर तेजस्वी पूछ रहे हैं ऑरेंज कलर का पेन क्यों यूज़ करते हो यार ऑरेंज कलर का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है लोगों ने कि आप ऑरेंज कलर का पेन क्यों यूज़ करते हो क्यों यूज़ करता हूँ क्योंकि चाहे आप कोई भी स्किन टोन बना रहे हो ऑरेंज कलर चाहिए चाहिए होता है उसमें है ना तो वो ब्लेंड बहुत ईजिली हो जाता है ऑरेंज कलर अगर आप ऑरेंज कलर के आउटलाइन बनाओगे तो वो ब्लेंड बहुत ईजिली हो जाता है इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ वो और कोई रीज़न नहीं है वो स्किन टो स्किन कलर के साथ चाहे कोई भी लाइट स्किन कलर है या फिर कैसा भी स्किन कलर है उसके साथ वो ईज़िली ब्लेंड हो जाता है तो यही रीज़न है जैसे यहाँ भी अगर देखोगे तो स्किन टोन के साथ जो ऑरेंज कलर है वो ईज़िली ब्लेंड हो गया है मुझे शायद पेंसिल से बुलाने चाहिए था क्योंकि मुझे थोड़ा फेशियल फ़ीचर्स इसके ठीक करने पड़ेंगे अभी कोई है शॉर्ट्स पे पैसे नहीं मिलते क्या यार आजकल मिलने लगे हैं पर मैं देखा नहीं कितना कितना बन रहा है मेरा पैसा शॉर्ट्स पे तो वो चेक करना पड़ेगा मुझे एक्चुअली यूट्यूब पे इतना बनता नहीं है तो मैं देखता भी नहीं कि कहाँ से मतलब कौन, कौन सी वीडियो कितना वो अर्न कर रही है ये सब तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैं थोड़े फेशियल फ़ीचर्स जो हैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़े से इधर उधर लग रहे हैं मेरे को उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ शायद हो जाए ठीक कुछ थोड़ा वी बन गया पर कोई नहीं चलता है वैसे रफ़ वर्क किया ये तो ठीक है मतलब थोड़ा सा फेशियल फीचर्स और बेटर हो सकते थे इसके ओके okay, तो मैं अभी सेव कर दूंगा इस लाइव को क्योंकि मुझे ना पसंद नहीं आता मेरे को सच बताऊँ तो अगर मैं अपने पुराने आर्ट वर्क देखता हूँ ना जो मैं लाइव बनाया तो मेरे को थोड़ा सा अजीब साउंड लगता है तो इसीलिए मैं सेव नहीं करता पर ये मैं सेव कर दूंगा तो ये जो थोड़ा मंकी ऐसा बनाया है इसको मैं कलर कर देता हूँ बस और फिर मैं लाइव को एंड करूँगा और फिर आ, मैं फिर कभी शायद कभी और आऊँगा लाइव तो थैंक यू सो मच फॉर यू नो सपोर्टिंग मी इंस्टाग्राम पे चाहे यहाँ पे हर कहीं सपोर्ट करने के लिए मतलब बहुत मैटर करता है यार एज एन आर्टिस्ट बहुत मैटर करता है जब आपको ऐसे सपोर्ट मिलता है जनता से मैं कुछ भी बना दिया मैंने मतलब इसमें दिमाग लगाना आप लोग मैंने भी दिमाग नहीं लगाया है ठीक है तो ये देखो इसके फेशियल फीचर्स और इम्प्रूव हो सकते थे ये पता नहीं क्या बनाया है मैंने बट सही क्यूट लग क्यूटी लग रहा है ना ठीक है तो अच्छा इसके कान बनाने चाहिए थे थोड़ा और ज़्यादा क्यूट लगता देखो अगर मैं कान ऐड करूँगा तो फिर देखना कितना सही लगेगा फिर सही लगेगा हाँ, अब ठीक लग रहा है <laughs> तो तो ये था थोड़ा सा डेमो टाइप का कुछ मतलब इमेजिनेशन से सो थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हंड्रेड के पॉसिबल एंड लाइव में आने के लिए भी तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस लाइव और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई लाइव में मतलब दूसरे लाइव में ठीक है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं और फ्रीकुंटली लाइव आऊँ और थैंक यू सो मच एंड सी यू सून नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस लाइव तो आज हमने लाइव में क्या किया ये मैंने दो तीन मतलब दो क्विक क्लस्ट्रेशन किए थे शायद मैं इसको पेंट करता तो और ज़्यादा बेटर होता बट इट्स ओके आ, तो थैंक यू एंड टेक केयर और ये बुक्स ट्राई करना सारे मतलब स्टूडेंट्स ही हैं यहाँ पे तो ये बुक ट्राई करना है ना पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको और बुक्स चाहे कोई भी हो मतलब जहाँ तक मेरे को पता है अच्छी होती है है ना तो ट्राई करना कि अपना टाइम जो भी टाइम आपको मिले रोज़ एक दो पेज पढ़ने की कोशिश करना क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो आप नॉलेज गेन करोगे तो वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा मतलब नॉट फिज़िकली बट नॉट मतलब फिजिकली ऐसे नहीं कहीं पहुंच जाओगे बट यू नो मानसिक रूप से मतलब काफ़ी आपके आइडियाज और दिमाग मतलब दिमाग खुलेगा इस इन चीज बुक्स में इन्वेस्ट करने से है ना तो जब दिमाग खुलता है तो तब आप अपने ऊपर काम कर सकते हो नए नह, नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं लाइफ में तो या सराउंड योरसेल्फ सेल्फ विद एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल एंड ट्राई टू गेन ऑल द नॉलेज फ्रॉम दैम ठीक है तो थैंक यू और मिलता हूँ मैं बहुत जल्द आ, यू you नो know, uh, फिर से लाइफ में थैंक यू और करते रहिए काम और आर्ट चाहे जैसा भी कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट होती जाएगी धीरे धीरे करते रहिए uh, और ट्राई करिए कि आर्ट करने को अपनी हैबिट हैबिट बना लीजिए अपनी मतलब ड्राइंग करना या डूडल करना या कुछ भी करना डेली डेली जित जितना भी टाइम मिले ऑफिस में है या स्कूल में है, जब भी टाइम मिले फ़ोन पे बात कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पास फ़ोन रखिए फ़ोन में डूडल करने लग जाइए या फिर एक स्केच बुक रखिए स्केच बुक निकाल के डूडल करने लग जाइए क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कंपाउंड कंपाउंडिंग होती है उन चीज़ों की भी ना तो अगर आपको कंपाउंड इफेक्ट के बारे में पता होगा तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़ी 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 चीज़ें जो डेली आप कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम में विद इन दो साल तीन साल चार साल पाँच साल में सारी एक्यूमलेट होती हैं और फिर वो रिज़ल्ट मतलब दिखाता है जैसे मैं कर रहा था अभी मैं जाऊँ चार पाँच साल पहले तो मैं बहुत ही मतलब बहुत ही बिलो एवरेज काम था मेरा है ना मतलब पर मैं कंसिस्टेंटली करता गया करता गया डेली ऑन ए डेली बेसिस बेस्ट चीज़ मेरे को अपने बारे में ये लगती है कि मैंने आर्ट को बहुत ही सीरियसली एक हैबिट बनाया और डेली करता गया ठीक है तो वो Uh, दिन मतलब ऐसे मतलब कंपाउंड होता गया वो सारी एक एक, एक, -एक स्केच जो मैंने ख़राब किए या एक एक पेंटिंग जो मेरे से अच्छी नहीं बनी वो सारी भी मुझे काफ़ी हेल्प की यू नो जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ पर पहुँचने के लिए तो अभी बस स्टार्ट ही किया मैंने अभी तो बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ सीखना है तो थैंक यू साथ बनाए रखने रहने मतलब साथ रहने के लिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं मुझे बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं सबको थैंक यू और मिलता हूँ मैं बहुत जल्द लाइव में तो टेक केयर गुड नाइट एंड या थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू बाय टेक केयर